हेलो दोस्तों, होप आपने हमारे पहले के वीडियोस भी देखे होंगे। इस बार भी हम हर वीडियो की तरह जीएसटी की अपडेट आसान तरीके से लेकर आए हैं। अब जैसे कि आपको पता है, 24 फरवरी 2019 को जीएसटी काउंसिल की 33rd मीटिंग हुई, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी काउंसिल ने मेजर चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन दिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा योगदान रहता है, और करंट गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 के अकॉर्डिंग हर सिटीजन के पास अपना घर हो और अर्बन एरिया स्लम फ्री हो। पर जैसे कि गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि कुछ समय से रियल एस्टेट में स्लो डाउन है एंड इसके कारण अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के सेल कम हो गए हैं, रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने रेजिडेंशियल हाउसेस पे रिकमेंडेशन दिए हैं। आज हम इस वीडियो में रियल एस्टेट सेगमेंट में क्या रिकमेंडेशन आए हैं और उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट एंड कई प्रैक्टिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियोस एंड तक देखेंगे। मैं हूँ सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं फाइनेंस और टैक्सेशन की आसान और लेटेस्ट समझ और लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको कोई भी टैक्स या फाइनेंस रिलेटेड क्वेरी सजेशन हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइएगा। एज पर करेंट सीनेरियो, जीएसटी रेट रियल एस्टेट सेक्टर पे 12% है, चाहे वो रेसिडेंस हो या कॉमर्शियल हो, एंड एफोर्डेबल में सिर्फ 8% है। एंड बिल्डर वो क्लाइंट से कलेक्ट करता है एंड उसके सामने उसे उसकी ITC की क्रेडिट मिलती है, पर कस्टमर ने जो 12% जीएसटी पे किया है उसकी क्रेडिट कस्टमर को नहीं मिलती, मतलब वो उसके लिए कॉस्ट बन जाती है। इससे होता ये है कि कस्टमर को जो प्रॉपर्टी 100 रुपीज में पड़ती थी उसने उसके लिए 112 पे किया है। अब 1 अप्रैल 2019 से क्या चेंजेस होंगे उसके ऊपर आते हैं। फर्स्ट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो अफोर्डेबल सेगमेंट के बाहर है उस पर 5% जीएसटी लगेगा, जिसमें बिल्डर को ITC की क्रेडिट नहीं मिलेगी। ध्यान देना, ITC की क्रेडिट नहीं मिलेगी दोस्तों। सेकंड, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो अफोर्डेबल सेगमेंट में फॉल होती है उस पर जीएसटी सिर्फ 1% लगेगा एंड इस पर बिल्डर को ITC की क्रेडिट नहीं मिलेगी। फिर से कह रहा हूँ, ITC क्रेडिट नहीं मिलेगी। आपको बता दूं कि ये सारे रेट्स 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे, भले रिकमेंडेशन अभी आया है एंड इसका अभी गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन होना बाकी है। एंड ये सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कॉमर्शियल पे ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल होगा, दैट इज अल्सो 12%। जैसे हमने डिस्कस किया, उसे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन में अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन दी है, जिसकी दो कंडीशन है और दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए, ध्यान रखना। फर्स्ट, जो रेसिडेंशियल हाउस या फ्लैट नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज या टाउन में है एंड उसकी कारपेट एरिया मैक्सिमम 90 स्क्वायर मीटर हो, और जो रेसिडेंशियल हाउस या फ्लैट मेट्रोपॉलिटन सिटीज या टाउन में है एंड उसकी कारपेट एरिया मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर हो। एंड सेकंड, जिस हाउस या फ्लैट्स की मैक्सिमम कीमत ₹45 लाख होनी चाहिए, एंड ये लिमिट ध्यान रखना कॉमन है फॉर बोथ मेट्रोपॉलिटन एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन के लिए। अब यहाँ सवाल आता है कि कौन सी सिटीज मेट्रोपॉलिटन में फॉल होगी और कौन सी सिटीज नॉन मेट्रोपॉलिटन फॉल होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, NCR, जो लिमिट है दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, विच इंक्लूड्स द होल ऑफ MMR। सेकेंड रिकमेंडेशन ये है कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, लीज प्रीमियम जो लॉन्ग टर्म की होती है एंड FSI पे इंटरमीडिएट GST टैक्स एग्जम्प्ट होगा, अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे GST पेबल करना हो तो। अब इन रिकमेंडेशन के बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार बताए गए हैं रिकमेंडेशन में। 1% GST जो अफोर्डेबल हाउसिंग में होगा उससे कस्टमर को बहुत बेनिफिट होगा, और फॉर एग्जाम्पल अभी GST ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग में 8% होता था, जो अब सिर्फ 1% होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए कि कोई कस्टमर 45 लाख का फ्लैट परचेस कर रहा है, उसे फिलहाल में ₹3,60,000 जो कि 45 लाख का 8% है लग रहे हैं, एंड नए चेंजेस के हिसाब से उन्हें अब सिर्फ 1%, दैट इज ओनली ₹45,000 ही पे करना होगा, यानी ₹3,15,000 का फ्लैट बेनिफिट मिलेगा। बी, जैसे कि हमने पहले बताया, रियल एस्टेट में कस्टमर को GST की क्रेडिट नहीं मिलती एंड ये रेट कम होने से अब उनके लिए कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव वे है ये। सी, जैसे कि इंटरमीडिएट GST एग्जम्प्ट होगा TDR, JDA, लीज प्रीमियम पे, तो आपका GST अमाउंट कम ब्लॉक होगा
उससे आपका कैश फ्लो सुधरेगा। डी, जैसे कि बिल्डर को बिल्डिंग यूसेज परमिशन के बाद जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते तो उन्हें जीएसटी की क्रेडिट कॉस्ट बन जाती थी, तब तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगी तो कॉस्टिंग पहले से ही हो गई ना। ये कुछ सॉल्यूशन नहीं लगा मुझे। ई, ये कंसेप्ट सिमिलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम जैसा है, जहाँ जीएसटी आपको फिक्स पे करना है एंड उसके सामने आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलने वाली, तो बिल्डर्स के लिए कंप्लायंस एंड टैक्स स्ट्रक्चर का कंप्लायंस बहुत इजी हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल इश्यू जिसके क्लैरिफिकेशन फ्यूचर में आने का इंतजार है, और हमारे पास बहुत से कॉल आए हमारे क्लाइंट्स के और बहुत से मित्रों के, उसके ऊपर कुछ नज़र डालते हैं। पहला, जैसा कि हमने देखा कि ये चेंजेस सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए हैं, कॉमर्शियल के लिए नहीं। हम ITC का कैलकुलेशन कैसे करेंगे अगर किसी बिल्डर की सेम साइट पे कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों हो तो, यानी पार्ट रेसिडेंशियल एंड पार्ट कॉमर्शियल इन द सेम साइट। सेकेंड, ये चेंजेस 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल होंगे। जिन कस्टमर्स रेसिडेंशियल यूनिट की बुकिंग पहले से करवा के रखी है, यानी 1 अप्रैल 2019 से पहले, एंड उनका सेल डेट 1 अप्रैल के बाद होगा, तो बाकी के पेमेंट जो 1/4 के बाद होने वाले हैं उस पे ओल्ड जीएसटी रेट लगेगा या न्यू जीएसटी रेट, एंड उसकी क्रेडिट की इफेक्ट्स बिल्डर के बुक्स पे क्या होगी, ये सवाल के हिसाब से दोनों को मुश्किल है, कस्टमर्स को भी एंड बिल्डर्स को भी। थर्ड, जिस बिल्डर की साइट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या उसे जीएसटी रिवर्स करना होगा, एंड इफ येस तो किस प्रोपोर्शन में। फोर्थ, जिस बिल्डर के साइट पे रेसिडेंशियल यूनिट की साइज एफोर्डेबल में भी आती है एंड नॉन एफोर्डेबल में भी आती है, फॉर एग्जाम्पल 60 square meter के अंदर के भी फ्लैट्स हैं और उसके ऊपर के भी फ्लैट्स हैं, वो कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन से, यानी 1% पे करना उन्हें, 5% पे करना है, या पार्सल रेट एज पर यूनिट उन्हें पे करना है। सो थिंक अबाउट इट, ये इश्यू बहुत ईजी लग रहे हैं पर बड़े सीरियस इम्पैक्ट देने वाले हैं, एंड हम गवर्नमेंट से और भी क्लैरिफिकेशन का वेट करते हैं। हम आपको इसके अपडेट्स देते रहेंगे एज यूजुअल। होप हम कामयाब हुए आपको जीएसटी और रियल एस्टेट के नए रेट्स के बारे में समझाने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। वंस अगेन माइसेल्फ सीए समीर चौधरी, एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस और टैक्सेस के इजी समझ। थैंक यू।